पदयात्रा पर ले से दिल्ली चलते हुए हम मेरा 80 साल उम्र है, मैं अभी तक 670 किलोमीटर चल चुका हूँ। अब मैदानों में तपती धूप में 40 डिग्री से भी ऊपर की सुलगते सड़कों पर चल रहे हैं, एक उम्मीद लिए, आशा लिए कि देश की राजधानी में पहुंचेंगे और वहां पर शीर्ष नेताओं से भेंट करेंगे। लद्दाख से पैदल चल करके आए और दिल्ली जो देश की राजधानी है वहां जब पहुंचे, उसी सिंगो बॉर्डर पर जहां किसानों को रोका गया था, इनको भी रोक दिया गया, डिटेन किया गया। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियां हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं। जब दिल्ली के बॉर्डर पर आपको रोका गया तो थोड़ी सी कोफ्त हुई कि मैं अपने देश की राजधानी जाना चाह रहा था और मुझे रोक रहे हैं? हुई, मगर पीछे मुड़ के देखें तो हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वादा जो पूरा ना हो न कीजिए, जो किया है पूरा कीजिए। आपको मीडिया से इंटरेक्शन के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे, क्या भी सच है? कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, अनौपचारिक शायद थे। आप हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाइए, इसलिए नहीं कि आप लद्दाख की मदद कर रहे हैं, इसलिए कि आप अपनी मदद कर रहे हैं और देश की मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मांगे लद्दाख की अकेले की नहीं है, देश की है। आदाब, नमस्कार। सोनम वांगचुक आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे। सोनम वांगचुक दिल्ली में हिरासत में थे, दिल्ली पुलिस की, दो दिन हिरासत में रहे और फिर उनको गांधी जी की स्मारक राजघाट ले जाया गया। वहां पर सोनम वांगचुक ने अपने जो पदयात्री थे उनके साथ प्रार्थना की गांधी जी से और मांग की कि जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था जब 2019 में लद्दाख को यूटी बनाया गया था कि 6 शेड्यूल में शामिल किया जाएगा, यानी जो वहाँ के लोग हैं उनको अधिकार दिया जाएगा अपने लिए नीति निर्धारण का। सोनम वांगचुक पैदल चलकर लेह से दिल्ली पहुँचे और उन्हें सिंगू बॉर्डर पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। वो वीडियोज़ वायरल हैं। हम सोनम वांगचुक से बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कह रहे हैं और आगे की क्या स्ट्रैटेजी है। तो सोनम वांगचुक से बात करते हैं और जानते हैं कि वो आगे किस तरीके से अपना आंदोलन लेकर के जाएंगे। सोनम वांगचुक हमारे साथ है, लद्दाख से पैदल चल करके आए और दिल्ली जो देश की राजधानी है वहाँ जब पहुँचे, उसी सिंगो बॉर्डर पर जहाँ किसानों को रोका गया था, इनको भी रोक दिया गया, डिटेन किया गया और फिर पूरे लाव लश्कर के साथ इनको 2 अक्टूबर को रात में गांधी जी की स्मारक में राजघाट में ले जाया गया। सोनम जी, आप कहते हुए आए, चलते हुए आए, वीडियो बनाते हुए आए, आज मैं यहाँ हूँ, ये यहाँ हूँ, जिनके पैरों में छाले और मुंह में मुस्कान होगी, तेरे चाहने वाले होंगे, सब बताया आपने बहुत प्यार से। जब दिल्ली के बॉर्डर्स पर आपको रोका गया तो थोड़ी सी कोफ्त हुई कि मैं अपने देश की राजधानी जाना चाह रहा था और मुझे रोक रहे हैं? हुई, मगर पीछे मुड़ के देखें तो हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसी कारण हमारी आवाज़ आप तक आई, पहुँची, पूरे देश तक पहुँची। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हम सब आपके साथ में हैं। आपने बोला सरकार ने आपसे बातचीत शुरू नहीं की, अपने दर्शकों को हम लगातार आपके बारे में बताते रहे कि आप 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि जो आप लोगों की पवित्रता है, जो आप लोगों की सैंक्टिटी है, जो आप लोगों के आदिवासी लोग हैं, सब लोग, आप लोग सुरक्षित रहें, और सरकार ने आपसे वादा किया था। सरकार आपसे बातचीत नहीं कर रही है अभी भी? नहीं नहीं, बातचीत हो रहे थे, पिछले मार्च तक हो रहे थे, उसके बाद से टूट गया है, तो उसे दोबारा रिज्यूम किया जाए। और जो 6वां शेड्यूल उन्होंने वादे लिखित में किए थे, चुनावी घोषणा पत्रों पे नंबर 1 पे हैं, उन पर अमल हो, बस वो पीछे ना हटें। उनके लोगों से जब हम बात करते हैं बोलते हैं कि 6 शेड्यूल जो है अगर हम आपको दे देंगे फिर और चीज़ें मांगेंगे और लेह लद्दाख बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है चाइना को देखते हुए, ये सब सारी बातें पीछे से बोलते रहते हैं वो लोग। आप थोड़ा खुद सोचिए, ये बोलने का समय तब था जब वो मैनिफेस्टो में लिख रहे थे, मैनिफेस्टो में जब नंबर 1 पे लिख रहे थे तब सोचना था ना, अगर गलत होता तो, अगर तब ठीक था तो अभी भी ठीक है, समझ रहे हैं आप? सोनम वांगचुक क्या करेंगे आप समझ रहे हैं? मैं समझ गया। वादा जो पूरा ना हो न कीजिए, जो किया है पूरा कीजिए। मुझे लग रहा है शायद उन्होंने वादा खिलाफी की, बीजेपी की सीट थी
ले और वो वहाँ से इस बार लोकसभा चुनाव हार गए, इंडिपेंडेंट जीते हैं और वो भी आपके साथ, जो आपकी मांग है इसे स्केड्यूल की उसमें आपके साथ नज़र आ रहे हैं। तो बीजेपी ने उसका लोकतांत्रिक तौर पर चुनाव में तो खामियाजा भुगता ही है। सोनम वांगचुक, अब क्या करेंगे आप? सरकार अब आपसे बातचीत नहीं कर रही है? नहीं, हमारी उम्मीद है, हमने कल राजघाट पर जाते हुए दूसरा हमारा था कि हम देश के शीर्ष नेताओं से मिलें। गृह मंत्रालय ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि आज शाम तक वो अपॉइंटमेंट हमारे बताएंगे। हमें उम्मीद है वो करेंगे, नहीं करें तो फिर मजबूरन हमें फिर अनशन पे जाना होगा। शाम 5 बजे तक का वक्त दिया था और 5 तो बच गए हैं और अभी तक कोई तो आपसे बातचीत पता करेंगे, आप अगर फुर्सत देंगे तो। नहीं आई कॉल, मेरे को पता है आपको कॉल नहीं आई है। अच्छा, तो अब क्या सोनम वांगचुक अनशन करेंगे? ऐसा ही है, अगर नहीं वो हमारी फरियाद भी सुनने को तैयार नहीं है तो कहते हैं बच्चे को रोना होता है अगर माँ भूल जाए दूध देना। कब से अनशन होगा अगर करते हैं तो? आप शायद कल से हो, हम ये बातचीत कर रहे हैं दिल्ली में बॉडी के साथ। दिल्ली में? जी दिल्ली में। आपको लगता है दिल्ली पुलिस आपको अनशन करने देगी यहाँ पे? अनशन करना तो कोई जुर्म नहीं है, बापू ने भी किया था और हम बापू के ही रास्ते पे वो सब कर रहे हैं जो बापू ने किया था। अब देखना ये है कि 21वीं सदी में बापू की सिखाए हुए कदम कितने संभव हैं। सोनम जी, आपका फ़ोन भी ले लिया जब डिटेन किया आपको सिंगू बॉर्डर से, कितने वक्त तक आपका फ़ोन आपके पास नहीं रहा? जितने वक्त तक हमने रखा गया, 2 दिन। और अभी भी हम लोग कल कोशिश कर रहे थे आपसे बातचीत करने के लिए लद्दाख, यहाँ हम लोग जम्मू कश्मीर हाउस में लद्दाख भवन में आके आपको मीडिया से इंटरेक्शन के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे, क्या अभी सच है? कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, अनौपचारिक शायद थे, तो हाँ। अब आगे क्या देखते हैं? अनशन करेंगे आप अपने तरीके से, आपने पहले भी अनशन किया चुनाव से पहले, 21 दिन का फास्ट था आपने किया, उसमें हम लोगों ने कवर किया, जाके हमारे कलीग्स आपके पास गए और आपको कवर किया था आपके अनशन को लेकर के, बहुत सपोर्ट मिला आपको वहाँ पर। आपको लग रहा है कि दिल्ली में वो सपोर्ट मिल रहा है आपको? तमाम सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो आपके लिए ट्वीट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लिख रहे हैं, यंगस्टर्स आपके साथ आ रहे हैं। तो कर रहे हैं ना, बहुत कर रहे हैं। सर, हमारे माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे जो आप लोगों को देख रहे हैं लोग और खासकर युवा? जी जी, तो हम कहेंगे कि आप हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाइए, इसलिए नहीं कि आप लद्दाख की मदद कर रहे हैं, इसलिए कि आप अपनी मदद कर रहे हैं और देश की मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मांगे लद्दाख के अकेले की नहीं है, देश की है। अगर पर्यावरण की संरक्षण लद्दाख में होती है तो भारत का पानी सुरक्षित होता है, आपके बच्चों के पानी की बात है, ये सिर्फ लद्दाख का नहीं है, पूरा उत्तर भारत हमारे हिमालय के पर्वतों पर ग्लेशियर्स पर टिका है, तो उसकी मांग कर रहे हैं, ये आपकी मांग है। अगर हम वादों को याद दिला रहे हैं तो वो सत्य की पुनर्स्थापना की बात कर रहे हैं, सत्य की, वरना देश में वादा खिलाफी, झूठ, फरेब, धोखेबाजी बढ़ जाएगी। तो सच्चाई को बचाने में आप हमारी समर्थन कीजिए, हमारी नहीं, आपकी, देश की। वैसे ही हम लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की मांग कर रहे हैं, वो आपके भी आदर्श होने चाहिए कि आखिरी नागरिक भी लोकतंत्र से वंचित ना हो, तो आपकी आवाज़ भारत की आवाज़ बने। मुझे पता आपको जाना है लेकिन एक सवाल याद आ गया, मैं चाहता हूँ इसका जवाब दें आप। लद्दाख की पॉपुलेशन बहुत कम है जी, बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है जी, तो क्या आपको लगता है कारण है कि आपसे जो वादा किया नहीं पूरा किया जा रहा है क्योंकि आप वोट बैंक में वो शामिल नहीं, उनको लगता है कि सिग्निफिकेंट नहीं है? जो पहला आपने सवाल किया कि पूरे भारत की, पूरे दिल्ली की जनता हमें समर्थन कर रही है, तो हम बहुत बड़े वोट बैंक हैं। थैंक यू सोनम जी, थैंक यू। लद्दाख की जनता अकेली नहीं है, पूरा देश हमारे साथ है, तो ये बहुत बड़ा एक वोट बैंक है, इसलिए कोई भी देश का हिस्सा छोटा नहीं है क्योंकि पूरा देश हर एक हिस्से के साथ खड़ा है। सो थैंक यू सो वेरी मच हमसे बात करने के, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। हमारे साथ सज्जाद कारगिली हैं जो इस आंदोलन का हिस्सा हैं, ये भी डिटेन्ड थे और रेड माइक पर आप पहले भी इन्हें देख चुके हैं। सज्जाद साहब, क्या करेंगे? सरकार को आपने मोहलत दी थी कि 5 बजे तक आपसे बातचीत, तो 5 बज गया, सरकार ने आपसे बातचीत नहीं की। ले से आप लोग पैदल चल करके आए लेकिन यहाँ आपको हिरासत में ले लिया गया, कितने मुश्किल से ये थे ये 3-4 दिन जो दिल्ली में आप लोगों ने बिताए हैं? बड़े ह्यूमिलिएटिंग थे ये पूरा का पूरा प्रोसेस, जो सरकार ने अपने आप को एक्सपोज किया, जो पूरे देश को बताया जा रहा था कि सब कुछ चंगा सी है लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में भी ये बताया जाता है, खैर मैं लद्दाख की बात करूँ तो लद्दाख में बताया जाता है ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, लेकिन लद्दाख के लोग यही बताने आए थे कि ऑल इज़ नॉट वेल इन लद्दाख।
तो इस चीज़ को छुपाने के लिए सरकार ने सारे पदयात्री इसको और जो कारवां करगिल से आया था उन सबको डिटेन करने की कोशिश की। तो ये मुझे लगता है गवर्नमेंट का फ्रस्ट्रेशन था जो पुलिस के द्वारा निकाला गया। आप लोग जब डिटेन थे तो आप लोगों के कई लोगों के फ़ोन भी ले लिए गए और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग पैदल चल करके आए थे जी। लाठी डंडे भी लाए थे क्या अपने साथ? नहीं नहीं, कोई लाठी नहीं, कट्टा बंदूक कुछ नहीं, बम पीसफुली आए थे, कोई स्लोगन नहीं, कोई नारा नहीं, एक झंडा लेके आए थे, वो नेशनल फ्लैग था जो हमारे हाथों में था। बहुत पीसफुली हम आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी खामोशी ही हमारा पैगाम था। और इसी खामोशी, क्योंकि वो गांधी जी की जयंती के लिए हम आ रहे थे, तो बिल्कुल उसी रवैये को हमने अपनाया था जो बापू ने अपनाया था। लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लगता है गया, और ख़ासकर दिल्ली पुलिस के एक्शन के बाद तो हमारा पैगाम और भी लोगों तक पहुंच गया। तो मैं समझता हूँ दिल्ली, हाँ थैंक यू दिल्ली पुलिस कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल भी बनाया, हमारा पैगाम जो है पूरे भारतवर्ष तक पहुंच गया और सरकार तक भी पहुंच गया। पहले तो एक सवाल ये कि आप सिक्स शेड्यूल की मांग करें, पहले दर्शकों को बता दें, मुझे पता है लेकिन जो आपको दर्शक देख रहे हैं हमारे उनको बता दीजिए कि ये सिक्स शेड्यूल की मांग क्यों कर रहे हैं आप और ये सिक्स शेड्यूल क्या है, थोड़ा बता दीजिए ताकि जो युवा हैं जो आप लोगों के लिए ट्वीट कर रहे हैं, इंस्टा पे रील्स बना रहे हैं, उनको समझ में आए कि किन मांगों को लेकर के आप यहाँ पहुँचे हैं। हमारी चार अहम मांगें हैं। पहली मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। हम एक स्टेट का हिस्सा थे, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा वाक़या पहले नहीं हुआ है कि एक स्टेट को डाउनग्रेड करके यूटी बनाया गया हो, बल्कि यूटी को अपग्रेड करके स्टेट बनाया जाता था। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि सिक्स शेड्यूल, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी 90% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, और ये सिक्स शेड्यूल का वादा भी बीजेपी ने किया था लद्दाख के लोगों से 2019 के चुनाव के दौरान, उनके घोषणा पत्र में था, और 2020 में जो लेह में हिल काउंसिल के इलेक्शन हुए थे उसमें भी। लेकिन और उसके बाद जो अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने भी लेह में बयान दिया, पार्लियामेंट्री कमेटी को रिकमेंड भी किया SC ST कमीशन के थ्रू, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक सरकार ने उस पर एक इंच आगे नहीं बढ़े। 370-35A के बाद अगर कोई चीज़ हमारे उस फ्रिजाइल एकोलॉजी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन दे सकता है और हमारे ट्राइबल कल्चरल आइडेंटिटी को, लैंग्वेजेस को प्रोटेक्शन मिल सकती है, तो वो सिक्स शेड्यूल के द्वारा मिल सकती है। इसलिए हम सिक्स शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि पिछले 5 साल में एक भी गेजेटेड पोस्ट की नौकरी किसी लद्दाखी को नहीं दी है, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, और हमारी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं है, क्योंकि असेंबली नहीं है तो राज्यसभा तो मिल ही नहीं सकती लद्दाख को। तो लद्दाख पूरी तरीके से लद्दाख को ठगा गया है। इस जो ठगरी के खिलाफ जो है हम जो है यहाँ दिल्ली में आए हैं। अब सरकार बात नहीं करें, आगे का क्या रणनीति आप लोगों की है, कैसे इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे? मुझे लगता है कि हमें वही रास्ता अपनाना चाहिए जो हमारे देश के फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी ने लिया था, और वो है पीसफुल हंगर स्ट्राइक, पीसफुल अनशन। तो इस वक्त हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर सरकार की तरफ से बात नहीं मानी गई तो हम अनशन पे बैठ जाएंगे। अनशन बैठ जाएंगे तो सरकार, तुम्हें नहीं लग रहा है कि आपको सिक्स शेड्यूल देने वाली है? दिल्ली में अनशन पर बैठेंगे, देश के लोगों का समर्थन हमें मिलेगा और पूरे देश का समर्थन हमारे साथ होगा। तो मुझे उम्मीद है कि लोगों के सेंटिमेंट्स का ख्याल सरकार करेगी, और मोदी जी जो बार बार कहते हैं कि देश लद्दाख के लोगों के लिए हमारे दिल और दिमाग खुले हैं, तो हम चाहते हैं कि मोदी जी का सीना जो है वो सरप्राइज़ देने में, और उसके बाद जो मास्टर स्ट्रोक में काफ़ी उनका नाम है, जाना जाता है, तो एक मास्टर स्ट्रोक लद्दाख के लिए भी लगाएंगे, वो स्टेट और उसी शेड्यूल का ऐलान करेंगे। इसी कल्पना के साथ, इसी उम्मीद के साथ जो है हम अनशन में बैठने की कोशिश, अनशन में बैठ सकते हैं क्योंकि सरकार बातचीत कर नहीं रही है। यहाँ पर आप देखेंगे, जरा एक बार दिखाइए, यहाँ पर पुलिस का तैनाती दिखाइए, दिल्ली पुलिस के तमाम बैरिकेड हैं, ये लद्दाख भवन है, और पुलिस आपको तैनात नज़र आएगी। जो भी आ रहा है यहाँ पर उनसे पूछताछ की जा रही है, कौन हो, क्या चाहते हो, क्या करोगे, तो इन सब सवालों के साथ हम भी यहाँ पर आए हैं। पुलिस की तैनाती आपने देख ली, अब इनको अनशन करने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ये सवाल बहुत बड़ा है। तो अनशन करने से रोक नहीं सकते हैं, अनशन वो अपने कमरे में बैठे कर सकते हैं, ज़बरदस्ती उठाया, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने शायद एक सेल्फ गोल किया, अगर इनको सिंगू बॉर्डर से डिटेन नहीं करते तो इतना बड़ा मामला नहीं होता। लद्दाखी बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, पैदल चल करके यहाँ आ रहे थे लेह से, लद्दाख से, कहीं कोई सड़क जाम नहीं, कहीं कोई ट्रैफिक नहीं, कहीं कोई नारेबाजी नहीं, कहीं कोई हुड़दंग नहीं, और फिर भी उनको जिस तरीके से डिटेन किया गया वो वाकई में कहीं ना कहीं, जब हम ये कहते हैं कि भारत बहुत मजबूत लोकतंत्र है, तो इस धारणा पर एक बहुत बड़ा
प्रहार है। हमारे साथ मेहदी साहब हैं, शाह मेहदी, जो पहले दिन से चले वांगचुक साहब के साथ। मेहदी साहब यहाँ आ गए दिल्ली में जी, पुलिस ने पकड़ लिया आपको? जी जी, पुलिस ने हमें एस्कॉर्ट करने के बहाने पकड़ लिया, वो सबको मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज बोलते हैं ना, वो साबित हुआ। जिस तरह का कवरेज मिला, जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो कहीं ना कहीं इस डिटेंशन को हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज था। और अभी जो लेटेस्ट अगर अपडेट की बात करें तो जो वादे हुए थे हमारे, उसमें से एक अभी भी फुलफिल नहीं हुआ है ना। तो अब कल से अनशन की भी बातें चल रहा, तो अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएंगे हमारा, ऑफिशियली हो जाएंगे, तो हमारे यही में है, जब तक हमारे वादे पूरे नहीं किए जाते तब तक हम संविधान के दायरे के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को विद इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रख कर एक जिम्मेदार शहरी किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा सकता, उसका एक मिसाल देने की भी कोशिश करेंगे। और बापू के दिखाए हुए रास्ता जो नॉन वायलेंट है, उसके चल कर अपनी मांगों को पूरा करना, लद्दाख को संरक्षित रखना और लद्दाख के साथ पूरे देश की जो इकोलॉजी जुड़ा हुआ उसको भी संरक्षित देने के एक प्रयास होगा जी। थैंक यू सो मच।